सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके रउसा में इन दिनों जंगली जानवर और तेंदुए को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसको लेकर वन विभाग भी वहां पर सतर्क है और जैसे ही सूचना आती है वन विभाग की टीम भी कॉम्बिंग करने लगती है। लेकिन इस बीच कई तरह के अफवाह भी फैलाई जाने लगी है जिससे वन विभाग भी परेशान हो चुका है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर तमाम लोग जानना चाहते हैं कि जो घटनाएं घटी हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसको जानने के लिए आई इंडिया के साथ इस समय बिस्वा के वन क्षेत्र अधिकारी कमाल अहमद सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका स्वागत है सिद्दीकी साहब। धन्यवाद भैया। मेरा पहला सवाल ये है कि गांजर जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, पिछले कई दिनों से वहां पर जंगली जानवर और तेंदुए को लेकर शोर सुनाई दे रहा है, कुछ एक घटनाएं भी हुई हैं। हकीकत क्या है और लोगों से वन विभाग की क्या कुछ अपील है? मैं अपने प्यारे जनता भाइयों से ये कह रहा हूँ कि आज का जैसे रेवसा क्षेत्र में जो है नदी का घाघरा नदी का तटबंध है जिसके किनारे जो जाओ चपटे लगे रहते हैं, वहाँ अक्सर जो है भेड़िया लकल बका की उनकी मौजूदगी रहती है। क्योंकि आजकल वहाँ पे बाढ़ का पानी चला आया है गाँव में, तो उनके रहने का स्थान जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वो ऊंचे स्थानों पर आते हैं और अक्सर इनको खाने के लिए खरगोश या पिग्स वगैरह जो है या छोटे मोटे जानवर जो है गांव के किनारे मिल जाते हैं, जिनको खाने के लिए गांव के पास ही आते हैं। तो अमूमन यही देखा गया है कि इनसे बचाव किया जाता है कि घर के बाहर हम लोग एक आग जला लें या थोड़ा डंडा डंडा पीट लें, थाली बजा दें, शोर कर लें, जिससे वो हम आसपास ना आ पाए। जी, क्या भेड़िया और लकड़बग्घा बड़े लोगों को शिकार करता है, बड़े लोगों पर हमला बोलता है? नहीं, भेड़िया लकड़बग्घा बड़े लोगों को शिकार नहीं करता है। भेड़िया और लकड़बग्घा जो असहाय कमजोर किस्म के जानवर या छोटे बच्चे होंगे उनको अपना शिकार बनने की कोशिश करता है। कुछ घटनाएं हुई हैं रंजर साहब, उनको लेकर क्या सच्चाई है जो सकरन इलाके में हुई, तंबौर इलाके में हुई, रेवसा इलाके में हुई, उसमें क्या लगता है किस प्रकार के जानवर द्वारा हमला बोला गया या जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई वो क्या कुछ कह रही है? देखिए, जो अभी हमारे सकरन के बिलवा बसैया गांव में एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसमें तो तेंदुए के पगमार्क्स वहां मिले हैं, उससे इनकार भी नहीं किया सकता। यहाँ तेंदुआ नहीं है, वहाँ तेंदुए की आमद थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ केज लगाया, तीन दिन में कोई वहाँ आमद नहीं हुई। उसके बाद ग्राम रेवसा में 15 तारीख को ये सुबह मॉर्निंग के टाइम जो है एक सूचना मिली कि ऐसा ऐसा घटना हुई, आदमी को खाया गया जानवर से। बाद में पुलिस से उसको FIR होके उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। जो हमारे पास कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको मिली है उसमें लिखा है कि उसके दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई है। जी, इसी तरीके का एक तंबौर का भी मामला आया होगा, वो क्या आपके संज्ञान में है, आपके साथ क्षेत्र में नहीं है? तंबौर मेरे क्षेत्र में नहीं, वो लहरपुर रेंज में, उसके बारे में क्षेत्र में अधिकारी लहरपुर ही बता पाएंगे। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कमाल साहब कि जो तेंदुआ है, लेपर्ड है, उसका हमला करने का क्या तरीका रहता है और जिस तरीके की जो शोरगुल सुनाई दे रहा है, क्या लेपर्ड उसी तरीके से लोगों को खाता है या उसका शिकार करने का क्या कुछ रहता है? देखिए, अगर हमारे क्षेत्र में तेंदुआ या टाइगर है तो ये लोग, इनका तरीका ये है कि ये एक बार अपना शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद ये जब खा लेते हैं तो कम से कम हफ्ते भर ये लोग खाना नहीं खाते, मतलब हफ्ते भर खाते नहीं है ये। उसके बाद ये जो आपके छोटे मोटे डॉग्स फैमिली हैं, जो लकड़बग्घा, सियार, गीदड़, ये अक्सर जो चोच मारते हैं खाने के लिए। तो ये जो आजकल शोरगुल रोज सुनाई दे रहा है, अफवाहें भी सुनाई दे रही हैं कि वहाँ आ गया, वहाँ आ गया, और जहाँ भी हमारी टीम सतर्कता से तुरंत पहुँचती तो वहाँ भी जो भी पगमार्क्स मिल रहे हैं वो गीदड़, जयकाल या फिर हाइना के मिल रहे हैं। इसके अलावा और कोई पगमार्क्स बड़े हिंसक जंगली जानवर के नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आप भी मान रहे हैं कि जो जो क्या नाम भेड़िए का आतंक हो सकता है, तो भेड़िए, ऐसे भेड़ियों से राहत दिलाने के लिए वन विभाग की टीम आगे क्या कुछ करने जा रही है? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसके लिए कई जगह केज लगाएंगे और ड्रोन का भी हम लोग इस्तेमाल करना। आज हम लोग की एक प्रभागीय कार्यालय में सारे ROs की बैठक हुई है, अभी तक बैठक चली, बैठक से ही मैं निकला हूँ, तो वहाँ ये तय हो रहा है कि ऐसा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन चलाए जाए। ड्रोन से, चूंकि पूरे क्षेत्र में जो है गाजर का इलाका है, सैकड़ों बीघे में गन्ने केले की खेती हो रही है जो, और गन्ना की हाइट इस टाइम कम से कम 8-10 फीट है, और ये तेंदुआ यही सब जानवर छोटे से भी स्थान पर छुप जाते हैं। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि कल से ड्रोन का इस्तेमाल करें और ड्रोन चला के देखा जाए
लेकिन सबसे मेन चीज है कि हमको जो आप सूचना मिलती है वो 80 या 90% फेक मिलती है, फर्जी मिलती है। हम लोग दौड़ के जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता है, कोई बिल्कुल पदमाश नहीं मिलते हैं, सिर्फ यही कि हाँ यहाँ आया, यहाँ देखा, कोई भी जिस आदमी का नाम लिया था कि इन्होंने देखा, वो भी साफ इनकार करता है मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, कुछ वीडियो भी लोग फर्जी तरीके से डाल रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इसी इलाके में है, लेकिन पता चलता है उनकी भाषा, उनकी बोली गैर प्रांत की निकल करके आ रही, तो अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में कुछ अराजक तत्व वहां पर अफवाह भी फैला रहे हैं। और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों में ना आए और ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने भी माना था कि एक जगह तेंदुआ है, महोली इलाके में बाघ का एक परिवार जरूर है, और रेउसा इलाके में, सकरन इलाके में एक जगह तेंदुए की पुष्टि वन विभाग भी कर रहा है, लेकिन अन्य जगहों पर जो है बताया जा रहा है कि भेड़िए आ सकते हैं, लेकिन भेड़िए इंसानों का शिकार नहीं कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल करके आया है, जो रेउसा की घटना है और जिसमें रमेश मौर्य को जो है उसके शव को जो खाया गया था उसकी मौत पानी में डूबने से होना सामने आया है, तो पहले यानी उसकी मौत हो चुकी थी। अब मौत कैसे हुई ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि वन विभाग इसको लेकर काफी सजग है। कुछ ही देर पहले डीएफओ के साथ वन क्षेत्र अधिकारी बिस्वा उनकी टीम बैठक हुई है, जिसमें डीएफओ ब्रजमोहन लाल शुक्ल ने निर्देशित किया है कि वहां पर कम से कम ड्रोन से अब निगरानी की जाएगी। जो फसल है, खासकर गन्ने की फसल है, वो काफी ऊंचाई में होती है जिसमें आसानी से ऐसे जंगली जानवर छिप सकते हैं या तेंदुआ छिप सकता है, अब ड्रोन से वहां नजर रखी जाएगी। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे वन क्षेत्र अधिकारी साहब कि अमरौरा, सुपौली और ये जो रमुआपुर, एक साथ तीन गांव में ऐसी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलनी शुरू हो गई, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इन गांवों की दूरी भी आपस में काफी है, तो क्या ऐसे में यहाँ भी मौजूद है कोई और यहाँ भी मौजूद है, ऐसी बातें कही जाती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है? अभी इसमें तो सच्चाई जो मेरे सामने आ रही है, अभी जो जैसे भी मेरे पास फोन आ रहा, कहीं से भी फोन आ रहा कि फला जगह देगा, तो मेरी टीम एकदम सतर्क रहती है, इस टाइम अलर्ट मोड पर रहती है। जैसे भी सूचना मिली तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई भी पगमार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर वहाँ पर पब्लिक को हम लोग जागरूक करते हैं कि आप लोग सत्य बात को बताइए, सही सूचना दीजिए, जिससे हम लोग आपकी सुरक्षा कर सके। ऐसे में अगर फेक सूचना मिलेगी तो हम लोग भी मानो है कहीं थके बैठे हों और सूचना अगर सही भी आ गई तो हम लोग न पहुंच पाए तो जिंदगी भर हम लोग को अफसोस रहेगा। इसलिए हम पब्लिक से ये चाह रहे हैं कि एकदम सटीक सूचना दें और सही सूचना दें जिससे हम लोग पहुंच सके और उस पर कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, सही सूचना दें, सटीक सूचना दें, ताकि वन विभाग कार्रवाई कर सके। ये अपील है वन क्षेत्राधिकारी की। और आपको बता दें कि तेंदुए को लेकर पिंजरा भी लगाया गया है, और इसके अलावा जो भेड़िए हैं उनसे भी निपटने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। ये जानना चाहेंगे कि तेंदुए के लिए तो लग गया पिंजरा, अभी कैद नहीं हो सका है उसमें, लेकिन जो भेड़िए हैं 15 साल पहले भी थानगांव इलाके में काफी आतंक रहा था और जिसमें कई लोगों की जनान यानी कई बच्चों के साथ घटनाएं हुई थी, ऐसे में भेड़िए से निपटने की क्या ठोस योजना है? भेड़िए के निपटने के लिए हम लोग उसका अभी कॉम्बिंग करेंगे क्षेत्रों में, जहां एक्यूरेट भेड़िया पता लगेगा यहाँ भेड़िया है वहाँ कॉम्बिंग करेंगे, वहाँ हम लोग अपना खाबड़ लगा के उसको जो है घेरेंगे, पकड़ेंगे पेड़ के, फिर इसको केज में करके उसको जो है चिड़ियाघर या किसी जंगल में ही भेजा जाएगा उसको। अच्छा, उसके साथ कोई वैसी घटना नहीं हो सकती है, मारने की या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं, उसके लिए ऐसी कोई घटना नहीं, मारने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो जब मैनिटर होगा वो। बिल्कुल, तो आखिरी अपील फिर से एक बार गांजर के उन वासिंदों के लिए जो तरह तरह की अफवाह के बीच में रह रहे हैं, बड़ा शोर सुनाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें तैर रही हैं, उनके लिए वन विभाग के अधिकारी के तौर पर आपकी क्या अपील है ताकि वो भी सुरक्षित रह सके और आपको भी अननेसेसरी जो लोड ये पड़ रहा है, जो भागदौड़ करनी पड़ रही है, इससे थोड़ी राहत मिले ताकि ठोस कार्रवाई आप कर सकें? मैं अपनी प्यारी जनता से और प्यारे मीडिया बंधु से ये अपील करता हूँ कि अनावश्यक की अफवाहें न फैलाएं। अफवाहें फैलने से हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग जब परेशान होते हैं तो दौड़ के भागते हैं, दिन भर हम लोग दौड़ते हैं, फिर रात भर दौड़ते हैं, तो हम लोग भी जो है उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं, क्योंकि अभी तक कोई सटीक हमको सूचना नहीं मिल पाई है। तो हम तो यही अपील करेंगे
ये फर्जी अफवाहें न फैलाई जाए, न सोशल मीडिया पे न जनता द्वारा किया जाए। कोई ऐसा नंबर जिस पर वो सूचना दे लोगों आपको? स्वयं मेरे नंबर 94-15-15-19-17 पे तत्काल सूचना दें। बिल्कुल, तो देखिए अपना खुद का नंबर वन क्षेत्र अधिकारी ने आम लोगों के लिए जारी कर दिया है, और जिस पर अगर सही जानकारी सटीक जानकारी मिल रही है तो जरूर जानकारी साझा करें, अन्यथा अफवाह कतई न फैलाएं। उधर प्रशासन की ओर से अब अफवाह फैलाने वालों के लिए भी खबर लेने की तैयारी कर ली गई है। जिला अधिकारी अनुज सिंह भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, DFO ने बैठक भी की है और अफवाह फैलाने वालों का आगे चलकर कार्रवाई करने की भी रणनीति पर विचार प्रशासन कर रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए सही जानकारी दें, अफवाह ना फैलाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और किसी विभाग को, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को परेशान न करें। तो आपने हमसे साझा किया बहुत सारी जानकारी कमाल अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।